आज देखो एडी के स्कूल निकलने की तैयारी कर ही रहा था मैं, बस बीच में फोन आ गया कि साहब गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। किसकी गाड़ी का? दीदी की गाड़ी का। दीदी डेली जाती हैं यहाँ से अपने ऑफिस, और पहुँचता हूँ मैं, देखता हूँ कैसा है। देखो फोन उनका ही आ रहा है। क्या पीछे से नहीं लगी है? लगी है गाड़ी आगे से। अब एयरबैग कह रही है नहीं खुला है, देखते हैं कैसा है। कहाँ थकी? ये ठाई। ठीक है कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा। बोनट पे अच्छा आगे आ गया होगा वो। ना कोई बात नहीं, मैं सोचा मैं जल्दी निकल गई हूँ, चलो आगे। तो ये अभी ऊपर किया है? पता नहीं, ये लोग जो खड़े हुए थे उन्होंने। हाँ ये सही तो कर दिया। टेढ़ा हो गया क्या ये? बम्पर नीचे निकल गया इसके, ये टूट गए ना ये वाले लॉक। कोई बात नहीं, ये है और नहीं मैंने नहीं लगाई। मैं उस समय ये नीचे गिर गया था शायद, आप कुछ निकला तो था। हाँ नीचे गिर गया होगा ये। अगर ये गिर गया था तो हाँ नहीं दीदी टूटा तो है लेकिन हो जाएगा वो, कोई बात नहीं है। ये उखड़ गया था, ये नीचे आ गया था ना जैसा ये है। ये तो हमने लगाया था। अच्छा आपने लगाया है, थैंक यू भाई साहब। नीचे आ गया, पूरा निकल गया था। हाँ नीचे दीदी निकला, नीचे से लग रहा था। चलो ये ना ये इसका ये टूट गया, देखो ये अच्छा। हाँ समझ गया। चलो जी गाड़ी में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ बम्पर आगे का डैमेज हो गया था, टूट गया था, नीचे गिर गया था। वहाँ के लोग थोड़े से हेल्पफुल है हमारे यहाँ, तो उन लोगों ने हेल्प की उस समय मेरे आने तक। उन्होंने बम्पर ऊपर किसी तरह से वहाँ अटका दिया। ठीक है अभी बम्पर अटका हुआ है, गाड़ी स्टार्ट है, बाकी चीज़ें मैंने चेक की। लेकिन हाँ इस तरह के एक्सीडेंट में हमको थोड़ा सा देखना होता है, कई बार ऐसा होता है ना गाड़ी एक्सीडेंट तो हो गई है, ठीक है गाड़ी स्टार्ट है तो हम लेके चल देते हैं, लेकिन ये लेके चल देना रिस्की हो जाता है कई बार। क्यों? अभी देखिए हो सकता है कि बम्पर फ्लेक्सिबल होता है, अंदर गया और कुछ चीज़ डैमेज करके वापस आ गया, आपको नहीं पता लगा, कूलिंग सिस्टम डैमेज कर दिया, रेडिएटर डैमेज कर दिया। या फिर ये भी हो सकता है ना कि आप चल रहे हो रोड पे और चलते समय वो अटका हुआ जो बम्पर था वो आपके आगे गिर गया, तो उस टाइम इससे ज़्यादा बड़ा हादसा तब हो सकता था। लेकिन अभी वो यहाँ से चली गई, फ़ोन आ गया उनका, कोई फ्रेंड मिल गई रास्ते में, उनको लिफ्ट देनी थी, वो टूटी हुई गाड़ी लेके चली गई। लेकिन मैं अब जाऊँगा पीछे से, कुछ टूल्स भी लेके जाऊँगा, देखता हूँ वहीं पे कुछ रिपेयर कर सकता हूँ उसको या नहीं। एक्चुअल में बम्पर आपको ऊपर से साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन नीचे से सारा वो डैमेज हो चुका है, नीचे से सारे लॉक डैमेज है, कुछ भी नहीं है। वहाँ चलता हूँ कुछ टूल लेके, फिर दिखाता हूँ आपको। अभी मैं कुछ टूल्स लेके वहाँ पहुँच गया, गाड़ी सही सलामत पहुँच गई थी, ठीक है कुछ रास्ते में गिरा नहीं। लेकिन वापस जाते समय ऐसा कुछ ना हो इसके लिए मैं कुछ इंतज़ाम करूँगा। ये देखो जी ये पूरा क्रैक है ना, पूरा एरिया क्रैक है, यानी कि ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं है, ऊपर के जो बटन्स लगे हैं वो फ्री लगे हुए हैं, ये किसी तरह अटका है। यहाँ के लॉक डैमेज हैं, ये देखो ये डैमेज है, ऊपर वाले एक लॉक पर अटका हुआ है। नीचे से ये देखो नीचे का जो स्ट्रिप है ना वो पूरी स्ट्रिप डैमेज है, ये पूरा हिल रहा है, कभी भी गिर सकता है, कोई पता नहीं है। फोग लाइट के कनेक्शन से अटका है, किस से अटका है क्या कह सकते हैं। ये देखो ये सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से बम्पर ऊपर से साफ सुथरा दिख रहा है लेकिन इसका जो मेन चीज़ है वो डैमेज हो चुकी है। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रिमूव, एक एक करके सारे बटन निकालता हूँ। और देखो आप ये ऊपर का जो मेन होल्डिंग है बम्पर की ना, ये वाली, इसमें बचा क्या है ये देखो, ये सिंपल अलग है, तो सपोर्ट कुछ था ही नहीं। ये क्रोम का टुकड़ा, ये एक अलग, इसका भी टूटा हुआ है। नीचे से दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे की सारी स्ट्रिप डैमेज है, ये देखिए। अब यहाँ पे ये क्रोम लगता है ये वाला, तो अब इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने क्या किया, फाइनली ये पूरा बम्पर रिमूव कर दिया, और अब देखो यहाँ का एक पार्ट क्रैक होके अंदर लगा हुआ है, यहाँ से कोई सपोर्ट था नहीं, ये सिर्फ इस लॉक से रुका हुआ था। तो सेफ पॉइंट यही था कि इस बम्पर को रिमूव करके अलग रख लेना ये। तो अभी फोग लाइट का कनेक्शन, ये मैं इसको अलग रखूँगा, ये साइड के फेंडर लाइनिंग, इसको फिट करूँगा, फिक्स करूँगा। ये वाला हिल रहा है अभी क्योंकि गाड़ी ये जाएगी यहाँ से चल के। कूलिंग सिस्टम मैंने चेक कर लिया, कहीं कोई डैमेज एक्स्ट्रा ऐसा है नहीं, कोई डैमेज ऐसा नहीं जो रास्ते में कोई परेशानी खड़ी कर दे, तो क्योंकि ये गाड़ी अभी वापस तो कम से कम चल के जाएगी यहाँ से। ये देखो जी ये कनेक्शन, इसको मैं डाल दूँगा फिलहाल पीछे,
कोई चीज ऐसी ना बचे कि रोड पे चलते समय नुकसान करे, वो सारी चीजें। मेन बम्पर था मेरा, जो मुझे लग रहा था कहीं चलते में गिर गया तो रिस्क हो सकता है। ये देखो जी, ये लगा हुआ है एक हिस्सा, ये तो इसको भी रिमूव करके रख देता हूँ कि रास्ते में कुछ गिरने का तो ना रहे कम से कम। तभी वो बम्पर मैंने फिट कर दिया पंच के अंदर इस तरह से, सीट फोल्ड की, आगे वाली सीट फोल्ड की, और लगभग सही से ये फिट हो गया। और लेकिन गाड़ी अमेज़ के अंदर नहीं आ रहा था ये। अब इसको कर देंगे पैक, लेके जाएंगे सारे पार्ट्स इसके, रख लिए मैंने। ये देखो ये अभी देखो जी, बम्पर लेके मैं कहाँ आ गया, यहाँ पे होते हैं हर प्रकार के प्लास्टिक वेल्डिंग। तो यहाँ पे मैं अपना बम्पर कराऊंगा रिपेयर, प्लास्टिक वेल्डिंग कराऊंगा। अभी हाल ही में मुझे पता चला था कि हमारे शहर में एक ऐसा खुला है, ये लोग जो प्लास्टिक को वेल्डिंग करते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग करने के लिए इनके पास ये मशीन है, हीट गन है टाइप की, और ये प्लास्टिक की स्ट्रिप्स होती हैं, इसको लगा के ये प्लास्टिक वेल्डिंग करते हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बना रखी है मैंने, उसका लिंक दिया है, कैसे वेल्डिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या चार्ज होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं। चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक है, क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो लो जी, फाइनली रात को बम्पर रिपेयर करा के ले आया मैं। कहाँ कहाँ रिपेयर कराया वो दिखा देता हूँ। पहला तो देखो जी, ये टूट गया था, प्लास्टिक वेल्डिंग हो गई पूरी यहाँ तक और बिल्कुल मजबूत। दूसरा ये वाला भी टूट गया था, एक इस साइड में आपको दिखाया था मैंने, यहाँ से बम्पर फट गया था। यहाँ अंदर से वेल्डिंग हुई है, बाहर से कैसा दिख रहा है ये भी दिखा देता हूँ। इतनी स्क्रैच दिख रही है सिर्फ, इसमें से भी थोड़ी बहुत तो ये हटा दूंगा मैं, बस एक आध मार्क्स ये रह जाएंगे। और जो मेन चीज़ थी, ये पूरी ग्रिल ब्रेक हो गई थी, ये वाली ग्रिल, ये टूट गई थी। कहाँ से टूटी थी, ये इससे, यहाँ से टूटी हुई थी, देखा था आपने लास्ट टाइम। तो ये पूरा वेल्डिंग हो गया, लग गया, क्रोम पूरा यहाँ फिट हो गया, क्रोम यहाँ फिट हो गया। अब फाइनल हमारा काम क्या है, इसको गाड़ी में करना है फिट। फोग लाइट का कनेक्शन लगा देता हूँ और इसको पहले अटका देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ एक बार। और ये लास्ट बटन, पेच लगा दिए दोनों तरफ के, और फाइनली बम्पर हमारा फिट हो गया जी। ये हो गया जी फाइनल हमारा बम्पर तैयार, दोनों तरफ से तैयार फिट, इस तरफ से भी फिट। अब कहाँ लगी थी, क्या हुआ था, कुछ पहचान भी नहीं सकते, थोड़ा बहुत स्क्रैच में निकाल दूंगा लगभग। मुझे नहीं लगता अब इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत थी। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा, गाड़ी को इंश्योरेंस पे क्यों नहीं दे दी। गाड़ी का इंश्योरेंस था, लेकिन अगर मैं इस गाड़ी को क्लेम के लिए देता तो इसमें लग जाते 10 से 15 दिन। अब 10 से 15 दिन में आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1000 रुपये पर डे का टैक्सी का मान के चलिए, तो 15 दिन में 15,000 रुपये वो लग गए, 1000-2000 रुपये फाइल चार्ज और छोटे मोटे चीज़ों के वो लोग ऐसे ले लेते हैं, हो गए 16-17 हज़ार रुपये। तब 17 हज़ार रुपये का काम जब मुझे 2-400 रुपये में हो जाता है तो मुझे क्या ज़रूरत है अननेसेसरी अपना टाइम भी वेस्ट करूं और पैसे भी वेस्ट करूं। तो फिलहाल मुझे लगता था इस चीज़ के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन था। और मन में इसके अलावा भी कोई सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।